चलिए अब हम आपको बता दें, मेरे सहयोगी दिपांग ने बात की योगेंद्र यादव से। हम आपको बता दें, योगेंद्र यादव ने इस बात की भविष्यवाणी की थी बगैर एग्जिट पोल किए कि जीतने वाली है आरजेडी प्लस यानी नीतीश प्लस। तो दिपांग ने उनसे बात की बिहार चुनाव और उनके नतीजों पर, और उनके नतीजों के जो असर होंगे उस पर बात करने के लिए इस समय हमारे साथ हैं चुनाव विशेषज्ञ, वैसे तो राजनेता भी बन गए हैं, योगेंद्र यादव। योगेंद्र जी, पहला मैं आपसे पूछूं कि बड़ी वजह आपको क्या लगती है कि इस तरह के नतीजे आए? देखिए, जब ये चुनाव शुरू हुआ तो जेडीयू और आरजेडी को एक फ़ायदा था क्योंकि उनका बड़ा गठबंधन था, लेकिन कहा जा रहा था कि बीजेपी की केमिस्ट्री जो है वो उसका मुकाबला कर लेगी। जाहिर है वो केमिस्ट्री नहीं चली, या उस केमिस्ट्री के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने जो बिल्कुल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, जिस जिस तरह की हरकतें की, वो बिहार के वोटर को पसंद नहीं आई। दूसरी तरफ ऐसा लग रहा था कि इनका गठबंधन शायद ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएगा। गठबंधन काम किया, यानी कि एक शॉर्ट टर्म में जो इनकी समझ थी नीतीश कुमार की और लालू प्रसाद यादव की कि इस एक साथ आने से ही बीजेपी का मुकाबला किया जा सकता है, वो सफल हुई, वो स्पष्ट देख रहे हैं हम। हालांकि इसमें हमें बहुत दीर्घकालिक चीज़ें अभी नहीं पढ़नी चाहिए। दीर्घकालिक जब आप कह रहे हैं तो उसका क्या मतलब क्या है? पहले अल्पकालिक देख लें क्या परिणाम होंगे। इसमें कोई शक नहीं है, पूरे देश में एक राहत की सांस होगी। राहत की सांस इसलिए होगी कि ये जो बीजेपी का रथ चल रहा था जिसमें कह रहे थे कि दिल्ली छोटा सा अपवाद है, मोदी जी पूरा देश जीतेंगे, अब बिहार को आप छोटा सा अपवाद तो नहीं कह सकते, तो जाहिर है वो रथ रुका। एक बार दूसरा कि जो पूरे देश में माहौल बन गया था पिछले एक दो महीने से, किस किस तरह की चीज़ें कही जा रही थी और बिहार चुनाव में कैसी कैसी बातें कही, चाहे दादरी हो, बिहार के चुनाव की बातें हो, और जो भय और आतंक का माहौल इस देश में बन गया था सहिष्णुता में विचार करने वालों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, उसमें एक राहत तो मिलेगी। और तीसरा, केंद्र सरकार की इक्वेशंस में अब मोदी जी का वो जो अहंकार था वो कम होगा, और हो सकता है किसान की और दूसरों की बातें सुनने पे उन्हें मजबूर होना पड़े। ये सब बातें तो अच्छी हैं, लेकिन अगर हम दीर्घकाल की सोचें, दीर्घकाल में क्या पूरा ऑपोजिशन बीजेपी के खिलाफ आने से बीजेपी को हरा लेगा? लेकिन क्या इससे बीजेपी पहले से ज़्यादा गहरी नहीं हो जाती? अगर यही चीज़ बंगाल में होती है तो क्या बीजेपी गहरी नहीं हो जाएगी? दूसरा कि क्या ये विकास की विजय है बिहार में? अगर नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद यादव के साथ बंध के वापस आते हैं सत्ता में, तो क्या विकास की विजय है? तीसरा, सामाजिक न्याय में ये बात जरूर है कि वो पहिया उल्टा नहीं चला, लेकिन दलित और पिछड़े का गठबंधन तो टूटा है। और चौथा, अल्पसंख्यकों के लिए राहत जरूर है, लेकिन याद रखिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ है, इसे सेकुलरिज्म की विजय ना बताइए। अगर आप देखें तो एक जो महत्वपूर्ण चुनाव होंगे वो यूपी के चुनाव होंगे, इसके बाद बहुत बड़े चुनाव होंगे, क्या आपको लगता है कि इन चुनावों का कोई असर यूपी में दिखाई देगा, इनकी गूंज वहाँ सुनाई देगी? असर तो होगा, अभी भी ये पता नहीं किस दिशा में जाएगा। मुझे और देश के बहुत लोगों के मन में डर ये रहा है कि यूपी चुनाव से पहले दंगे होंगे, दंगे करवाए जाएंगे। अब मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं किसी का भी, इससे क्या नतीजा निकाला जाएगा? क्या नतीजा ये निकाला जाएगा? समझदारी का नतीजा तो ये होना चाहिए कि भैया ध्रुवीकरण करने से, इस किस्म की बातें कहने से जनता खुश नहीं होती, वोट गिर जाते हैं। लेकिन कोई खुराफाती दिमाग ये भी कह सकता है कि नहीं, कायदे का ध्रुवीकरण नहीं हुआ था, और सांप्रदायिकता की जाए, जहर और डाला जाए तो असर होगा। तो अभी भी कहना कठिन है, उम्मीद यही करनी चाहिए कि देश के इंटरेस्ट में निष्कर्ष ये निकाला जाएगा कि नहीं, सांप्रदायिकता फैलाने से चुनाव जीता नहीं जाता। क्या आपको लगता है कि अगर आगे और आगे जाएं यूपी से 2019 के जो बड़े चुनाव होंगे, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार के रूप में एक अल्टरनेटिव उभर सकता है? क्या उसकी संभावना यहाँ दिखाई देती है, या अभी बहुत जल्दी है ये कहना? जल्दी है, और मैं समझता हूँ नीतीश कुमार को जो दिक्कतें पेश आई वो आधी तो इसीलिए आई थी कि उनको देश का नेता के रूप में प्रेजेंट कर दिया गया। और हकीकत ये है कि नीतीश कुमार जैसे थोड़ा आगे बढ़े हैं उतने ही ज़्यादा बंधे हैं। ये नीतीश कुमार वो नहीं है 2005 में जो चुनाव जीत के आया था, जो अपने MLA को जेल में डाल देता था, जो ईमानदारी की बात करता था। जैसे जैसे नीतीश कुमार ऊपर बढ़ते गए हैं,
उनके हाथ बनते गए हैं और मुझे लगता है इस बार तो उनके हाथ पहले से भी बहुत ज़्यादा बंधे होंगे, इसलिए इसके बारे में बहुत उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बात से यह लग रहा है कि ये जीत किसी की भी नहीं है दरअसल में। जब चुनाव शुरू हुए थे तो मैंने कहा था, दोस्तों को उस वक्त पसंद नहीं आया था, मैंने कहा था इस चुनाव में जो भी जीतेगा बिहार हारेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि राष्ट्रीय राजनीति के पटल पे राहत हुई है, घुटन कम हुई है, सांस का मौका आया है, लेकिन बिहार जीता है ऐसा नहीं कह सकते। बिहार में सामाजिक न्याय, विकास, धर्मनिरपेक्षता ये सब आगे बढ़ी है ऐसा नहीं कह सकते। बिहार को इससे बेहतर परिणाम मिल सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से इस चुनाव में बिहार के पास खराब और ख़राब में विकल्प था, उसमें से शायद खराब जीत गया है। धन्यवाद योगेन जी, जो बता रहे हैं कि खराब और ख़राब में विकल्प था और ख़राब इसमें जीता है। बहुत ज़्यादा इनको उम्मीद नहीं लगती है, लेकिन छोटे में ये बहुत कुछ कह गए हैं। धन्यवाद।